बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अज मैं तुहानू वो जगह दिखांगा जिथे लामा इकबाल साहब बहिंदे सन इत्थे जर्मन च, ते उन्हां दा घर जिहड़ा वो कित्थे सी, किहड़े घर च वो रहे सन जर्मनी हैडलबर्ग च, ते उत्थों ऐ हुण मैं घर दे कोलों गड्डी इस वक्त मैं स्टार्ट कीती है घर दे कोल, हाँ ये तकरीबन 65 किलोमीटर दूर है साढ़े कोलों। तो अज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इस वजह नाल, तो अल्लाह पाक खैर करे तो अज तुहानू वो जगह विखा के लिआउने आ जिथे वो बहिंदे सन ते जिहड़े घर च रहिंदे सन। ठीक है जी, तो ये वीडियो जिहड़ी है लंबी हो जाएगी, देखियो जरूर। है यानी कि असीं तुर पए आ जी, मैं जी अपने घर कोलों ला लो जी, हौली हौली जनाब अगे नूं जा रहे हैं। मेरा पिंड है हासलो, तो इतों मैं गड्डी पा ली है जर्मन दे शहर हैडलबर्ग आले पासे नूं। ठीक है जी, गाब गाब मैं अपने पिंड दे विच जिथों जिथों लंघना पिया नाल नाल माड़ी माड़ी वीडियो बना रहा। शदल बने ने, बारिश भी थोड़ी बहुत ही हो रही है। लो जी हाईवे ते चढ़ गया वा, ते हुण उस पास जा रहे हैं। यह सारा जर्मन दे विच ना विंड पावर प्लांट बहुत ज़्यादा लग रहे ने, यह देखो। ठीक है, बहुत ज़्यादा विंड पावर प्लांट हज़ारां दी तादाद नाल जर्मन वालिआं ने यह लांदे पे ने, यानी कि बिजली तो अपना वाह तो बिजली पैदा करनी। ठीक है जी, तो बहुत ज़्यादा तादाद नाल इत्थे ते आ चार ही साढ़े पिंड वालिआं लाए ने, लेकिन जर्मन च हज़ारां दी तादाद नाल लग चुके ने। लो जी ए हाईवे दे उत्ते पार्किंग है जिथे बंदा टॉयलेट वगैरह हाजत वगैरह कर सकता है। ठीक है, आराम 5-10 मिनट भी गड्डी नूं साह भी दवा सकता।
ਆਹ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਇੱਥੇ ਮਾਨਹੇਮ ਸ਼ਹਿਰ ਜਰਮਨੀ ਦਾ, ਮਾਨਹੇਮ ਸ਼ਹਿਰ। एक किलोमीटर तकरीबन रह गया हैडलबर्ग, जिते अलामा इकबाल साहब रेंदे रहे ने, जड़ी यूनिवर्सिटी च इत्थे पढ़ते रहे ने, इस शहर की यूनिवर्सिटी च। लो जी हैडलबर्ग तकरीबन शुरू हो चुके है। जी शहर का आगाज है। ये सारा जी हूं हैडलबर्ग है। शहर के विचों थोड़ा जा मैं फिरदा टरांदा पै जाना वा, ठीक है। इकबाल उफे जेड़ा है अपना, जेड़े जिथे वो पार्क है जिथे बहंदे सन, वह तो पिछे रह गया। मैं क्या वापसी तो जाऊँगा हूँ, मैं उन्होंने घर वाल जा रहा जिथे घर च रेंदे सन, तो पहला वो तो फिर वापसी के उत्ते विजिट करांगे। है जी उत्ते हैडलबर्ग का किला भी है, पुराने इस बादशाह का, ठीक है। असी हूँ सड़क उत्ते मैं मौजूद हाँ, जी सड़क उपर अपना है, जी सड़क है अगे जाके शारे आने तो उत्थे नाल जो घर च रेंदे रहे उत्ते तख्ती वगैरह लगी है तो वो आ जाएगी, ठीक है। इस मैं आ गया, ए मैं गड्डी पार्क की है करके, मैं क्या इतू हूँ स्टार्ट करा फिर दोबारा, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ऐ पुराना पुल है जिथों क्रॉस वगैरह करते होंगे उदू। ऐ बहुत पुराना किला, इतने बहुत ज़्यादा दुनिया विजिट करने नहीं आती है इतने। हैडलबर्ग जर्मनी। इस शहर के ना बड़ी वड्डी प्रॉब्लम यह भी है कि पार्क नहीं लगता, ठीक है। हूँ मैं गड्डी इतने गलत ला के पै जाना, लेकिन हूँ काम तो करना ना, इन्नी दूर मैं आया वीडियो तो बनानी है ना, ठीक है जी। तो बिल्कुल मैं उन्होंने घर के कोल फड़ गया, तो बस तुम दसना। लो जी ए घर है, ठीक है, जिथे वो रेंदे रहे ने। ऐ तख्ती लगी, ठीक है, इन्हू थोड़ा नेड़े नहीं दूर करा, ठीक है जी। 1877 तो लैके 1938 तक ये तारीख पैदाइश पता नहीं। ऐ जनाब 1907 इत्थे रहिंदे रहे ने उन्होंने। इन्हू दूरों जाके ना जूम कर, तख्ती लगी है ये जूम की है। लो जी इस घर के अलामा इकबाल रहिंदे रहे।
जर्मनी हैडलबर्ग च 19 ठीक है जी। हूँ क्लोज़ करा यानी कि छोटा होर करा पूरा घर तुहानू विखावां। ऐ ओ घर है जी जिथे लामा इकबाल साहब रहिंदे रहे ने जर्मनी च। जगह वगैरह पुल ठीक है। हूँ मैं गड्डी बड़ी गलत लाई है तो लिहाजा हूँ मैं इतों निकलना चाहिए इस तो पहला कि जुर्माना वगैरह स्टार्ट हो गया। ठीक है जी फिर एक बार जी ए घर है जिते वो रेंदे रहे उन्होंने तख्ती लगी देख लो सारे जी ठीक। लामा इकबाल साहब जर्मनी इस घर च रेंदे रहे ने। हूँ चलने उन्होंने जगह पर जिते वो जाके जेडे पार्क बहेंदे सन तो उन्हों का नाम ही उस पार्क के पार्क उन्होंने नाँ के उत्तर मनसूख किया। लो जी यह घर है ये किसी कमरे चंद रेंदे होने ने। लो जी हूँ मैं जान लगा गड्डी तो वापस आया दरिया है इतने बड़ा सोहना शिप वगैरह ये वो इतने चलते मिलते हैं। ठीक है जी दूजे घर वगैरह इतने जड़े ने जड़े उदू के आंढ़ी गुआढ़ी सन घर च। ठीक है मैं हाँ दोस्तों मैं क्या तो दोस्तों के नाल वादा भी पूरा करा कि मैं इतने जाने का। ठीक है जी लो जी उत्थे सी घर जड़ा दरिया शिप वगैरह भी ये दे देखो ट्रांसपोर्ट शिप जड़ा जा रहा है तो है वेखो मगराबियां भी दरिया के ने जिन्हों कोई खतरा खुतरा नहीं है जो सन किधर गई है। जी यूनिवर्सिटी है हूँ यदा मैं नहीं पता कि ऐस जी पुरानी वाली यही है जिद्द रेंदे रहे ने या वो दूसरी है। कि ऐस दे विच पढ़ते रहे ने या वो जड़ा दूजे पासे वे वो दे विच पढ़ते रहे ने इदा नहीं मैं पता। लो जी ऐ वे वो जगह इकबाल उफ जिते लामा इकबाल साहब बहिंदे सन पहला इत्थे ना बकायदा दी लगी सी तख्ती वगैरह। ठीक है हूँ तख्ती तो इस वक्त मैं किधरे नहीं नज़र आ रही यानी कि वो ढा दी गई है या जो भी वो नाल होया वह मैं नहीं हूँ पता वो स्त्री का इतने अपने बंदा को मैं देखना वा कोई लभ गया या किसी को पूछना वे की चक्कर है क्यों नहीं वो तख्ती नज़र आ रही। ठीक है जेड़ा नक्शे च है पुल तो पार दस रहा है जेड़ा नेविगेशन है। ठीक है GPS वगैरह ये इतने दस रहे लेकिन यह जगह जिथे वो बहते रहे ने। ठीक है ए जगह सारे इतने वो बहते रहे ने। लामा इकबाल साहब इकबाल उफ यदा ना है इतने तो उधर। लो जी इकबाल उफ तो सुरखाब भी बैठा चुग रहा जे वेख लो साडे पाकिस्तान दूर दूर तक लभदे नहीं दिसदे नहीं इत्थे आ पार्क च बह के जनाब घा खा रहा है देखो माशाल्लाह बड़ा सोहना परिंदा है। आ देखो हूँ मैं तो तकरीबन मेरे हाँ 10 to 15 meters की दूरी पर हाँ इसनों कोई फर्क ही नहीं अपनी मस्ती च मगन है देखो माशाल्लाह माशाल्लाह इकबाल उफ च घा खा रहा जे देख लो इन्हों बेंचा च हूँ बेंच तो खैर नवे ने बरल इत जगह जी है ना इतने वो जनाब बह के शेर शूर लिखते होने ने या फिर कुछ लिखते होने ने। ठीक है जी लो दोस्तो 65 to 65 कितना हो गया 170 किलोमीटर आज किया तुहानू ए जगह विखाने वास्ते यानी 65 kilometers मैं करके आया 65 kilometers करके वापस जाना है। तो जे सर जी चंगा लगे भाई वाकई मैं कोई मेहनत मुहनत की है लाइक कमेंट तो सबसक्राइब कर छड़ियो बड़ी मेहरबानी जी। ओके अल्लाह हाफिज़ जी।